कांग्रेस मुख्यालय में एक बुजुर्ग शख्स की अचानक जमीन पर गिरने से मौत हो गई। पता चला कि वो कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख रिटायर्ड मेजर वेद प्रकाश थे। 85 साल की उम्र में शनिवार को उनका निधन हो गया। उनके बेटे विपुल प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया, मेरे पिता आज दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय में अचानक गिर पड़े। उनके सिर में चोट लगी थी, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उनके वहां पहुंचने के पहले ही निधन हो गया। विपुल ने कहा, मेरे पिता का दिल कांग्रेस के लिए धड़कता था और पार्टी के लिए गहरा लगाव था। वो इस उम्र में भी हर दिन कांग्रेस मुख्यालय जाया करते थे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेताओं ने भी वेद प्रकाश के निधन पर दुख जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य मेजर वेद प्रकाश जी के निधन का समाचार दुखद है। देश के लिए सदा समर्पित मेजर साहब का देहांत कांग्रेस परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस की विचारधारा को समर्पित और पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष रहे मेजर वेद प्रकाश जी के निधन का दुखद समाचार मिला। मेजर वेद प्रकाश जी ने अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। उनके निधन से कांग्रेस परिवार को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को कष्ट सहने का साहस दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।